नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल ई ज्ञान में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत का फ़ोन आ रहा है, बहुत का मैसेज आ रहा है, बहुत का ईमेल भी आ रहा है कि सर इस बार का एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कैसे करें, एग्ज़ाम दें या ना दें। ये दो क्वेश्चंस कॉमन है, उसके बाद दूसरे की बात बोलते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है, ऐसा दिमाग में आना स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत दिन के बाद ये एग्ज़ाम हो रहा है। ये एग्ज़ाम होना था मई जून में और ये एग्ज़ाम हो रहा है नवंबर दिसंबर में, तो ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद हो रहा है। तो कई बार हमारा पढ़ाई चला और कई बार पढ़ाई छूट गया, जिसके कारण है कि हमारी कंटिन्यूटी नहीं बनी हुई रही और ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो बहुत के साथ ऐसा प्रॉब्लम है, किसी एक के साथ नहीं है, तो इसीलिए इसमें घबराने की बात नहीं है। ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स का यही हाल है, तो मैं इसका एक सॉल्यूशन बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको एग्जाम देना है, एग्जाम छोड़ना किसी भी कंडीशन में नहीं है। और दूसरी बात, आप एग्जाम देने के साथ साथ कुछ स्पेशल कुछ फॉलो करना है, कुछ टर्म एंड कंडीशंस को, तब जाके आपको पास होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो वो टर्म एंड कंडीशन क्या है? नंबर वन, आपको एग्जाम के एक दिन पहले से ही पढ़ाई छोड़ देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम आपका कल है तो आज आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, अगर पढ़ना भी है तो ज्यादा से ज्यादा आज शाम तक पढ़िए, कल नहीं पढ़ना है। आप बहुत को देखते होंगे, हो सकता है आप भी इसमें शामिल होंगे, इस कैटेगरी में से, कि आप एग्जाम के जस्ट गेट नहीं खुला है, एग्जाम के बाहर में एकदम पढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं कि इस तरीके का पढ़ाई खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम नहीं आता, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो 2 साल का सिलेबस है, एमए प्रीवियस एंड एमए फाइनल। अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो 4 सेमेस्टर का ये है, सिलेबस भी 4 सेमेस्टर का है। तो किसी, और वो भी ऐसा नहीं है, अगर बोर्ड का यूनिवर्सिटी का अगर एग्जाम होता है तो उसमें होता क्या है कि टॉपिक वाइज रहता है और हमें पता रहता है, ऑलमोस्ट गेसिंग के द्वारा पता चल जाता है कि क्वेश्चन कौन सा आने वाला है और हम लोग उसे गेस कर सकते हैं आसानी से और उसके द्वारा उसी अनुसार से हम कर सकते हैं। लेकिन भैया बता दूं कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टोटल 10 यूनिट को टच करेगा, 10 यूनिट से क्वेश्चन रहेगा। तो आप हमें ये बताइए कि पूरा का पूरा 2 साल के सिलेबस को 2 घंटे में रिवाइज करना पॉसिबल है? डेफिनेटली नो। 2 साल के सिलेबस को 2 घंटा में रिवाइज कभी नहीं किया जा सकता। इसीलिए आपको क्या करना है? रेस्ट करना है। रेस्ट करने से क्या होता है कि हमारा ब्रेन शांत होता है और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है एग्जाम के टाइम। आपको बता दूं कि आदम जमाने में, मतलब राजा महाराजाओं का जिस समय हुआ करता था, युद्ध वगैरह तो अक्सर होते रहता था, उस समय छोटे छोटे राज्य होता था, तो वहाँ पर भी सैनिक को युद्ध के पहले वाले दिन रेस्ट दिया जाता था, उसके बाद रेस्ट किया जाता था। क्यों? ताकि बॉडी एक्टिव रहे, ब्रेन एक्टिव रहे और सही ढंग से काम करे। तो आपका भी वो युद्ध से कम नहीं है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये नेट की एग्जाम से कम नहीं है। इसीलिए नेट ही नहीं, किसी भी एग्जाम की बात करते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, नॉट बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, तो ये एग्जाम कम नहीं। इसीलिए अपने माइंड को रेस्ट दीजिए, क्योंकि माइंड को बहुत फास्ट दौड़ाना है और इसके लिए आपको हम फ्री मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए हुए हैं। आपको हमारा वेबसाइट eGyanLive.com पे मिल जाएगा, जिसमें कि मॉक टेस्ट है कि ऑनलाइन एग्जाम कैसा होगा, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, फुल सिलेबस टेस्ट है। आप हमारे वेबसाइट eGyanLive.com पे आइए और प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम जरूर दीजिए, बस रेस्ट कीजिए। एग्जाम के दिन किसी भी कंडीशन में नहीं पढ़ना है, ठीक है? अब दूसरी बात, जो मेन बात मैं बताने के लिए आप लोगों के लिए आया हूं, वो है टुक्का मेथड, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। इतना दिन के बाद एग्जाम हो रहा है और 100% इफिशियंसी, 100% एक्यूरेसी किसी भी इंसान में नहीं होता। इवन जब इंसान के रूप में भगवान भी जन्म लिया था तो उन्होंने भी कई सारे मिस्टेक्स किया था, फॉर एग्जाम्पल राम कृष्ण कई सारा मिस्टेक्स किया था, मैं कभी बताऊंगा बट अभी टाइम नहीं है। तो मिस्टेक्स होगा, अगर इंसान है तो मिस्टेक्स होगा, एक्यूरेसी नहीं रहेगा, भूलेंगे ही भूलेंगे, डेफिनेटली भूलना ह्यूमन का नेचर है, भूलेगा ही भूलेगा। तो फिर क्या करना है? तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, और हाँ मैं ये जो बता रहा हूँ वैसे एग्जाम के लिए जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप निगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में ये मेथड को अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है? निगेटिव मार्किंग में मेथड चलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं,
है ना, जितना एक्यूरेट जानते हैं उतना ही बनाना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है वैसे एग्जाम के लिए। तो नेट के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, ओके। तो आपको क्या करना है कि पहले आप जितना क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ जानते हैं, कन्फर्म है 100% कि इसका यही होगा आंसर, आप वो सबको पहले पूरा का पूरा बना दीजिए, ठीक है। और आसान है, बगल में आपका पैनल भी रहता है आंसर का पैनल, कि कौन कौन बनाए हैं, कौन कौन रिव्यू के लिए छोड़ दिए, मार्क फॉर रिव्यू है ना। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा हमारी वेबसाइट पर आके, egyanlive.com पर आके प्रैक्टिस कर लीजिएगा ऑनलाइन एग्जाम कैसा होता है। पूरा क्वेश्चन को बना दिए जिसमें कि 100% एक्यूरेट है, एक्यूरेसी के साथ आप जानते हैं, बाकी को मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए या तो ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आइदर बी और सी ऊपर से लेके नीचे तक बना देना है। नहीं समझ में आया, मैं फिर से बता रहा हूं। पहले जितना भी क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है हमारा, 150 में से 150 में जो एक्यूरेट जान रहे हैं उतना बना दिए। मान लेते हैं कि हम लोग 100 क्वेश्चन, 150 में से 100 क्वेश्चन हम लोग एक्यूरेट जान रहे हैं, 100 बना दिए, 50 क्वेश्चन बचा। तो क्या करना है, ऊपर से लेके नीचे तक बी बी बी, टोटल 50 क्वेश्चन को बी ही बनाना है। ऐसा इसीलिए कि आप लोग क्या करते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि शायद इसका आंसर ये होगा, शायद इसका आंसर ये होगा। तो होता क्या है कि क्वेश्चन जो सेट किया जाता है ना, वो 25% सेट किया जाता है। जैसे चार ऑप्शन है ना, तो चारों ऑप्शन पे 25% रहता है। तो आप जिसमें बी बनाए उसका आंसर है सी, जिसमें आप सी बनाए उसका आंसर है डी, और इसी प्रकार से आपका एक भी सही ना हो ऐसा चांसेस ज्यादा रहता है। तो आपको क्या करना है, ऊपर से लेके नीचे तक एक ही चीज को बनाना है, मतलब टोटल 50 को बी ही बनाना है। तो अगर 50 में से 50 आप बी बनाइएगा तो क्या होगा, 25% आपका सही होगा ही होगा, इवन उससे ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा। तो 50 का 25 कितना हो गया, 12 क्वेश्चन। तो 12 ऐसे 12 सारे 12 होता है लेकिन उतना नहीं, तो आपका 12 क्वेश्चन सही होने की गारंटी हो जाएगी, कंफर्म आप मानिए कि आपका 12 क्वेश्चन सही हो जाएगा। लेकिन अगर टुक्का आप इधर उधर करके लगाते हैं, हो सकता है आपका एक भी सही ना हो, हो सकता है आपका 12 से ज्यादा भी हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि एक भी ना हो, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी काम करेगा। लेकिन जैसे मैं बताया, अगर ऐसे बनाइएगा तो 12 क्वेश्चन आपका सही होगा ही होगा ठीक से। आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका कल ही एग्जाम है तब तो ये मेथड को ट्राई मत कीजिए, आप डायरेक्ट एग्जाम में अप्लाई कीजिए। और अगर आपका बाद में एग्जाम है तब क्वेश्चन बैंक को उठाइए, बनाइए और जैसे मैं बताया वैसे बनाइए। लेकिन 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 आपको ऐसा नहीं कि 150 में से 150 में टुक्का मेथड लगाइएगा तो पास कर जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जितना क्वेश्चन को 100% एक्यूरेसी के साथ जानते हैं पहले उसको बना लेना है, जो बच गया जो कि ऐसे भी आपको 0 नंबर मिलने वाला है उस पर टुक्का मेथड लगाना है तब पास कीजिएगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन आप एक्यूरेसी के साथ बना दिए, अब 50 में से 12 आपका सही हो गया कन्फर्म, तो 112 हो गया ना आपका, पास करने की चांसेस 60%। आप 60% बना चुके हैं तो आपको पास करने की चांसेस बढ़ जाएगी, बहुत ही ज्यादा चांसेस हो जाएगा आपको पास करने का। तो इसी प्रकार से आपको टुक्का मेथड लगाना है। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चंस है तो मैं प्रत्येक दिन शाम को 6 से 7 के बीच में अवेलेबल रहता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 7002219244 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आपका एग्जाम अगर आगे होना है ना किसी का, खास करके जैसे एजुकेशन का 3 दिसंबर को है, हिंदी का और भी आगे, तो आप हमारे वेबसाइट पे आके पार्टिकुलरली एजुकेशन और पेपर वन है वहाँ पे, तो पेपर वन तो हर सब्जेक्ट के लिए कॉमन था, पेपर वन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, और पेपर टू में जिसका एजुकेशन है तो आप एजुकेशन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट egyanlive.com या www.tribhuvankumarbharati.com पे आप आके विजिट कीजिए और मार्क कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, ट्राई कीजिए कि एग्जाम कैसा होता है। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है फ्रेंड्स, हमारा एग्जाम खत्म होगा, मतलब दिसंबर में न्यू बैच स्टार्ट होगा पेपर वन और एजुकेशन का सेपरेटली, और साथ में आप किसी प्रकार से इनरोल कर सकते हैं। तो न्यू बैच में इनरोल करने के बाद मतलब कर सकते हैं, एग्जाम पहले दे लीजिए, आपका एग्जाम कैसा जाता है आपको पता चल जाएगा, उसके बाद न्यू बैच में एडमिशन स्टार्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो और अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन जरूर पूछिएगा। और हाँ, ये मेथड सक्सेसफुल है ऑनलाइन एग्जाम के लिए, और क्योंकि अभी इतना दिन हुआ ना, 5-6 दिन एग्जाम हुआ, और उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ कि सही है, ये मेथड काम करेगा। ओके, बाय बाय।